जैसा मैंने कहा, अनेक भाजपा के असंतुष्ट बड़े बड़े नेता हैं, अनेक पूर्व मंत्री हैं, अनेक उनके दिग्गज संभागीय नेता हैं जो हमारे संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश में बन सकते हैं कर्नाटक जैसे हालात। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और चुनाव के पहले दल बदल करके कांग्रेस में आ सकते हैं, जो बड़ो दावा करे है कांग्रेस पार्टी की सरकार के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने। दरअसल जयवर्धन सिंह ने जो दावा करे है कि कई सारे ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ हैं लेकिन असंतुष्ट हैं, वे भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ सकते हैं और सीधे संपर्क में हैं। आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप कुछ और दिन इंतजार कर लीजिए, आपको खुद दिख जाएगा जिस प्रकार से जिस तेज गति से कांग्रेस काम कर रही है। ये मान लिया जाए कि 10 मई के बाद जब कर्नाटक के रिजल्ट आएंगे उसके बाद मई में ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जो दिल्ली के वो मध्य प्रदेश आएंगे। कर्नाटक चुनाव के परिणाम से मैं मानता हूँ सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में माहौल बदलेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार प्रतिदिन कर्नाटक के भाजपा के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री तक भी अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और ऐसे ही कुछ पिक्चर होने वाली मध्य प्रदेश में। जैसा मैंने कहा, अनेक भाजपा के असंतुष्ट बड़े बड़े नेता हैं, अनेक पूर्व मंत्री हैं, अनेक उनके दिग्गज संभागीय नेता हैं जो हमारे से संपर्क में हैं। बातचीत हुई है लेकिन उनको लेने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अलग अलग लोगों से संपर्क में हैं और बात यही है कि जैसे चुनाव पास आएगा पिक्चर और क्लियर होगी। उतनी जयवर्धन सिंह ने जो भी दावा करे है कि कमलनाथ ही कांग्रेस पार्टी के मुख्य चेहरा हुई है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुई है। कमलनाथ जी हमारे चेहरे हैं, उन्हें लगातार पिछले 5-6 सालों में कांग्रेस के लिए काम किया है मध्य प्रदेश में। जनता ने उन्हीं को चुना था सीएम के रूप में, लेकिन भाजपा के धनबल के कारण सत्ता परिवर्तन बीच कार्यकाल में हुआ। जो जनता मध्य प्रदेश की आज भी चाहती है कि जो वचन कांग्रेस के थे, कमलनाथ जी के थे, जिनकी शुरुआत हो चुकी थी, कर्ज माफ़ी प्रारंभ हो चुकी थी, 100 रुपये 100 यूनिट बिजली के बिल मिल रहे थे, गौशालाओं का काम चालू हो गया था, गरीबों की पेंशन 600 रुपये हो गई थी, 1000 होने वाली थी और ऐसे अन्य योजनाएं हैं जिस पर कांग्रेस काम कर रही थी। तो इसलिए क्योंकि सिर्फ 15 महीने में ये सब काम कमलनाथ जी ने किए थे, जनता चाहती है कि कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका एक बार दिया जाए और उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले टिकट वितरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग तरीके की गाइडलाइन की खबरें सामने आती हैं और अगर कई सारे टिकट कटे तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी में बगावत को अंदेशा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनको लाभ उठावे की कोशिश में है। एकलव यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।